Hello students, welcome to computer tutorial videos. So let's start our video. सिस्टम्स में हम लोग एक एक करके अब सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखेंगे. जो पहला है दैट इज एंड्रॉइड. एंड्रॉइड जो है इट इज एन ओपन सोर्स मेड बाय गूगल. गूगल के द्वारा बनाया गया ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ज्यादातर स्मार्टफोन्स पे आज के डेट में एंड्रॉइड चल रहा है. कुछ लैपटॉप्स भी एंड्रॉइड वर्जन के मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग क्रोमबुक्स कहते हैं. ये क्रोमबुक्स मार्केट से परचेज करके हम लोग एंड्रॉइड वर्जन का लैपटॉप यूज कर सकते हैं. ये लार्ज अमाउंट ऑफ एप्स यूज होते हैं इसमें, बट इन एप्स के जरिए कई बार ऐसा होता है कि एप्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर में हमारे मोबाइल फोन पे वायरसेस आने का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है. और इन वायरसेस में एक सबसे बड़ा वायरस दैट इज ट्रोजन हॉर्स, ये एप्स के थ्रू हमारे मोबाइल फोन में आ सकते हैं. चूंकि ये ओपन सोर्स है यहाँ पे, और प्ले स्टोर से आप किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वैरायटी ऑफ एप्स अवेलेबल है आज के डेट में एंड्रॉइड वर्जन के, जिनको आप आराम से अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं. बट इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो वायरस का होता है. वायरस की वजह से कुछ दिन के बाद आपके मोबाइल फोन खराब भी हो जाते हैं, तो इन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज वेरी इजी टू यूज, आसानी से यूज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसको हम लोग बिना किसी की मदद से, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग बिना किसी के मदद से भी बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ ही साथ हम लोग अपना यूजर इंटरफेस भी बना सकते हैं अपने डिवाइस को रूटिंग करके. हम लोग अगर चाहें तो रूटिंग करने के बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपना यूजर इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड्रॉइड की एक बात है कि कुछ कुछ दिनों पर इसके अपडेट्स आ जाते हैं, नया एंड्रॉइड मार्केट में लॉन्च हो जाता है. नए एंड्रॉइड को लॉन्च होने के बाद जो हमारा पुराना एंड्रॉइड है वो आउटडेटेड होता है और हमको अपने फोन को बदलने की जरूरत पड़ती है या वर्जन को बदलने की जरूरत पड़ती है. एंड्रॉइड के बाद जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम. आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एप्पल मोबाइल के एप्पल इनकॉर्पोरेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था. और एप्पल की जितनी मोबाइल फोने हैं उनमें ये iOS यूज होता है. ये जो एप्पल ने इसको बनाया एप्पल के अपने डिवाइसेस आईफोन आईपैड आईपॉड के लिए. और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूजर इंटरफेसेस का बहुत अच्छा है, बट एंड्रॉइड के बनिस्पत चलाने में थोड़ा डिफिकल्ट है. ये एंड्रॉइड से थोड़ा इसका ऑपरेशन डिफिकल्ट है. इसके बाद इसमें आप ऐप स्टोर से आसानी से बहुत सारी अच्छी चीजें ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको कॉस्ट लग सकते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, मे बी पॉसिबल ना हो. जैसे एंड्रॉइड के ऊपर हमने देखा बहुत सारे ओपन सोर्स एप्स हम लोग ले सकते हैं, हम लोग बहुत सारी फ्री एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे, बट यहाँ पे आपको उन एप्स के लिए कुछ पे करना पड़ सकता है. आईट्यून के जरिए हम लोग आईफोन्स का जो डाटा है वो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. हम लोग डाटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आईट्यून्स का इस्तेमाल करेंगे. और एक सब कैटेगरी iOS की मैकबुक्स के लिए एक सब कैटेगरी है जिसको मैक ओएस कहते हैं, और ये गेमिंग के लिए स्पेशली करके iOS में बनाई गई है. अगली तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज विंडोज. विंडोज के ऊपर हमने अभी बात करी है, विंडोज के हमने सारे ऑप्शंस देखे हैं, बट यहाँ पे हम लोग विंडोज के बारे में एक अलग से बात करेंगे. विंडोज का बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्जन, जो विंडोज कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर हम देखें तो विंडोज का मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में रन किया दैट वाज एक्सपी. एक्सपी जो है वो सबसे ज्यादा चलने वाला, ऐसे ये पहला वर्जन विंडोज का नहीं था. विंडोज 3.1 से लेकर के आज विंडोज 10 तक के वर्जन अवेलेबल है, बट मार्केट में एक्सपी जो वर्जन है ये बहुत लंबे समय तक चला और काफी अच्छा इंटरफेस, प्लग एंड प्ले फीचर, काफी फीचर्स के साथ ये मार्केट में अच्छी तरह रन कर रहा था. एक्सपी के बाद जो अगला वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ दैट वाज विस्टा, और विस्टा के बाद विंडोज 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 8.1 एंड नाउ इट इज विंडोज 10. बट 7 के बाद, 7 जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा
पसंद किया जाने लगा। एक्सपी के बाद जो पसंद आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज विंडोज 7। विस्टा फ्लॉप हो चुका था और 7 के बाद जो विंडोज 8 है इसने जैसे ही पूरा चेंज लाया, ड्रास्टिकली चेंज किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, सो विंडोज 8 वाज अगेन फ्लॉप्ड। 8 के बाद विंडोज कंपनी ने जो 8.1 वर्जन लॉन्च किया वो थोड़ी 8 से बेहतर थी, काफी मार्केट में सराहा गया। और उसके बाद अभी जो 10 है, ये 10 काफी एक अच्छा वर्जन है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत पुरानी फीचर्स को भी आगे लेकर के इसमें चले हैं। सो 10 जो है इट इज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज बाय विंडोज। अब हम लोग देखते हैं मोबाइल सेगमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में 8.1 जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी चल रहा था और 10 के लिए प्रयास की जा रही है। मोबाइल फोन पे आपको विंडोज 10 वर्जन मिल सके या मार्केट में अभी लॉन्च होने वाला है, हो भी गया है तो अभी मार्केट में पूरी तरह आया नहीं है। विंडोज 10 के ऊपर सोच रहे हैं, विंडोज 10 जैसे मार्केट में लॉन्च होगा तो हमारी सारी जितनी विंडोज बेस्ड फोन्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। बट इसमें विंडोज में एक जो खामी है वो एंड्रॉइड के और iOS के बनिस्पत इसमें एप्स बहुत कम होते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्स होते हैं जो कि विंडोज को सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड्रॉइड और iOS के अपने बहुत सारे एप्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे एप्स बनाए गए हैं बट विंडोज रिलेटेड बहुत कम एप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इसलिए विंडोज फोन को यूज करते वक्त हम लोगों को एप्स की कमी खल सकती है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ऑपरेट करना भी एंड्रॉइड के बनिस्पत टिपिकल है, विंडोज फोन को ऑपरेट करना एंड्रॉइड बहुत इजी पड़ता है विंडोज के बनिस्पत। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, दैट इज ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी मार्केट में एक समय में बहुत पॉपुलर रहा है, इसको ब्लैकबेरी मोबाइल्स के लिए डिजाइन किया गया है और ये बिजनेस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सराहा गया था। बिजनेस पर्पस के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, कनेक्टेड रहने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर। इसके कई ब्रांड्स मार्केट में छोटे से लेकर के बल्कि मॉडल्स तक मार्केट में अवेलेबल हैं और सेफ्टी के तौर पे ये बहुत ज्यादा सेफ माना जाता था। बट इसमें बाकी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, ये सूटेबल नहीं है। कई जगहों पर इसके साथ परेशानी होती है, वेरियस कंट्रीज में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो वहां पे कई जगहों पर ब्लैकबेरी की जो मैसेंजर है दैट इज BBM, उस मैसेंजर को यूज करने का परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। सो आप ब्लैकबेरी के साथ बहुत सारी देशों में BBM को यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी एक और खामी है कि यदि आप इस फोन को स्विच ऑफ करते हैं, बैटरी अनप्लग करते हैं तो 5 से 10 मिनट तक का टाइम ये लगता है इसको पूरी तरह से फोन को स्टार्ट होने में, पूरी तरह बूट होने में। सिक्योरिटी की वजह से ही ये फीचर डाले गए हैं, सिक्योरिटी चेक करता है और उस चेक में जो टाइम लगता है वो 5 से 10 मिनट तक लग जाता है। सो उतनी देर तक हम लोगों को पेशेंस रखना होता है। इसके कई मॉडल्स हैं मार्केट में, बड़े बड़े मॉडल्स भी हैं, बल्कि फोन्स भी हैं जो कि इतने बड़े भी हैं कि हमारे पॉकेट्स को सूट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ब्लैकबेरी भी मार्केट में आज के डेट में बहुत आगे नहीं है। इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज सिम्बायन। सिम्बायन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली नोकिया की सीरीज में लॉन्च किया गया था। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये S60 इसका टॉप मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये रीनोन नोकिया ई सीरीज, एन सीरीज और आशा सीरीज में ये लॉन्च हुआ था। नोकिया के इन सारे मॉडल्स पे सिम्बायन को यूज किया गया था। इसका जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो है कि ये थोड़ी iOS और एंड्रॉइड के बनिस्पत थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है। इसकी जो स्क्रीन की रिस्पॉन्स है वो थोड़ी उसकी रेट कम है बनिस्पत iOS और एंड्रॉइड के। सिम्बायन का जो टच है, जो टच स्क्रीन हम लोग यूज करते हैं वो भी एंड्रॉइड के बनिस्पत थोड़ा सा स्मूथ कम है, बहुत फास्ट और स्मूथली वर्क नहीं करता है। इसके बाद हम लोग कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जैसे ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जावा बेस्ड हैं, जावा पे बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं।
इनमें सबसे पहला नाम आता है बाडा का। बाडा इज द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था और इस डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से वो स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स पे इसको यूज करने की फैसिलिटी दे रहे थे। बट आज के डेट में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कारगर नहीं है। इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमो। ये जो है ये नोकिया के द्वारा बनाया गया, ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड बाय नोकिया, और ये स्मार्टफोन्स या इंटरनेट टैबलेट्स के ऊपर वर्क कर रहा था। बट बाद में इसको मोबलिन के द्वारा मर्ज करके और मीगो में कन्वर्ट कर दिया गया। मीगो जो है जो कि सेलफिश में जंप कर गया, जो कि एक इंडिपेंडेंट और पार्टनर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीगो चूंकि लाइनक्स के द्वारा बनाया गया था, आज के डेट में मीगो डिसकंटिन्यूड हो गया मार्केट से आउट है। बट ये लाइनक्स के सपोर्टिंग में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था और लोग इसको यूज कर रहे थे। सो दैट्स ऑल। मैं आशा करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, उनके वर्क के ऊपर आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं और भी आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। सो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। सो थैंक यू।